कोरोना के इस हालात में जहां लोगों को बेड न मिलने, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने, दवाओं की कालाबाजारी होने की शिकायतें सामने आने से उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए और कोरोना संक्रमित को समुचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश का ताबड़तोड़ दौरा किया। लेकिन इसी बीच उन्हीं की सरकार के एक विधायक के लापता होने का पोस्टर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना के ऐसे कठिन समय में अपने क्षेत्र में जन प्रतिनिधि के नहीं रहने पर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पोस्टर लगाकर विधायक के अपने क्षेत्र में न रहने और लोगों की समस्याओं का कोई समाधान न कराने के चलते विरोध जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये भाजपा के वही विधायक हैं जिन पर कोरोना के संकट काल के दौरान बीते दिनों अपने रुतबे का इस्तेमाल कर गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर भर भर कर फरार होने का आरोप लगा था। दरअसल मामला बाराबंकी के रामनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक शरद कुमार अवस्थी से जुड़ा है। विधायक शरद अवस्थी के अपने क्षेत्र में न रहने के कारण विधानसभा रामनगर के गांव अदरा में लोगों ने उनके लापता होने का पोस्टर लगाकर विरोध शुरू कर दिया है। अवस्थी का पोस्टर लगा हुआ है, ये तो कभी आते ही नहीं, उनको पता ही नहीं होगा कि अदरो गांव कहीं है। ये इनके भाई से वोट मांगने आए थे, ये वोट भी नहीं मांगने आए थे। हमने इनके भाई से भी कहा था जीतने के बाद कभी अदरा में सर्कल दिखाओगे, कहने लगे नहीं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इनके भाई भी कभी यहाँ से क्या पोलिंग जीत के गए हैं, हमेशा भाजपा वाले जीत के जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं है। हम लोग जो है बड़ा पश्चाताप किए हैं कि भाजपा को वोट हमको नहीं देना चाहिए, अब तो बिल्कुल आगे एकदम बेकार पार्टी हो गई, इसमें अब कोई वो नहीं रही। ठीक है, संजीव सिंह नाम है हमारा, अदरा गाँव से हम लोग, जो 277 विधानसभा रामनगर में पड़ता है। हमारे विधायक जी शरद अवस्थी जी जो 4 साल पूर्व हम लोगों से केवल वोट मांगने के विषय में आए थे गांव में, उसके बाद से आज तक गांव में कभी किसी भी पर्सन से मिले नहीं, ना हालचाल ना गांव में आना। इस कोरोना काल के संकट में भी वो गांव में एक बार भी नज़र नहीं आया। कुछ पेशेंट संक्रमित थे जिन्हें सैनिटाइजर्स मास्क मेडिसिन मतलब उपचार की ज़रूरत थी, लेकिन वो कभी गाँव आए नहीं। उसके चलते गाँव वालों ने मिलकर विरोध किया, गाँव गाँव में जाके गली गली में पोस्टर लगाए, विधायक जी हमारे लापता हो गए, जिनके मिलने पे हम लोगों ने 1000 रुपये का इनाम भी रखा है। बस योगी जी नहीं मिल रहा है, मतलब इस गांव से पोलिंग जीतने के बाद भी वो गांव में आज तक नज़र नहीं आए, जबकि इस कोरोना काल के संकट में गाँव वालों को बहुत ज़रूरत थी उनकी, पर वो दिखे नहीं गांव में, जो एक समस्या है गाँव लोगों के लिए। हरिशंकर सिंह रावत द्वारा और विधानसभा दरियाबाद और रामनगर, जब से हमारे विधायक जी जीत के गए हैं यहाँ से, वैसे तो वोट मांगने वो भी नहीं आए थे, उनके भाई साहब आए थे, और जीतने के बाद ना उनके भाई साहब यहाँ दिखाई पड़े ना विधायक जी दिखाई पड़े। हमारे गांव की क्या समस्या है इसके, उन्होंने कहा था जब पहले उनके भाई आए थे हम सब करवा देंगे, लेकिन उसमें से एक भी समस्या का हल नहीं निकला। यहाँ तक कि हमारे गांव में झील है, नहरें दो चल रही हैं शारदा कैनाल, और दोनों नहरों का सीपज का पानी झील में भरता है, बरसात में इतना भर जाता है कि हम अगर खुदाई भी की जाती है तो मान लीजिए अदरा गांव की खुदाई हो गई तो उसके बाद आगे ताशीपुर गांव पड़ता है, वहां पर सारा बराबर लेवल में है, वहाँ पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। अच्छा, ये तो ये पानी की समस्या, एक भी चक्रों अंतराल 10 साल में हमारे गांव में मिट्टी नहीं पड़ी, एक भी चक्रों। आपका विधायक जी मिलते ही नहीं, कभी जाओ भी तो वो रामनगर कहेंगे वो बाराबंकी में होंगे, बाराबंकी जाओ तो वहां आए नहीं, तो इसलिए लोगों ने उनके विरोध में ये प्रदर्शन किया है कि अगर मिले तो उनको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा, कोई ढूंढ के लाएगा तो हमारे MLA साहब।